अगर आपके लहू में रोश नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब जो मातृभूमि के काम ना आ सके। ऐसा कहने वाले वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 14 वर्ष की छोटी सी आयु से ही घर छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले इस महान क्रांतिकारी ने हजारों लोगों को देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था। यहाँ पे वो भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाते थे। इस तरह बचपन में ही उन्होंने निशानेबाजी सीखी थी। चंद्रशेखर आजाद के पिता बड़े कड़क स्वभाव के थे और उन पर कड़ी निगरानी रखते थे, जबकि उनकी माता उन्हें बहुत लाड़ प्यार करती थी। एक बार बचपन में उन्होंने दूसरे के बगीचे से आम तोड़े थे। इस बात पर गुस्सा होकर उनके पिता ने उन्हें घर के बाहर खड़ा किया। तब वो उनके रिश्तेदार के यहाँ कुछ देर रुके और बिना किसी को बताए मुंबई चले गए थे। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही जिद्दी थे और अपने संकल्प पर अड़े रहने वाले थे। उनके माताजी की इच्छा थी कि उनकी आगे की पढ़ाई बनारस में हो। चंद्रशेखर आजाद बनारस के स्कूल में पढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उन्हें कसरत का शौक हुआ और अखाड़े में कसरत करना शुरू किया। वो जहाँ भी मन लगाते उसी में तल्लीन हो जाते। उनका शरीर धष्ट पुष्ट हो गया था। इन्हों बनारस में एक गुंडे ने लोगों को परेशान करके रखा था। सभी उससे डरते थे, पुलिस भी कुछ नहीं करती थी। एक दिन जब चंद्रशेखर आजाद बाजार से जा रहे थे, तब उसी बाजार में वह गुंडा उसके दो साथियों के साथ था और एक युवती को छेड़ रहा था। गुंडे ने युवती का हाथ पकड़ लिया। ये देख चंद्रशेखर आजाद से रहा नहीं गया और उन्होंने उस गुंडे से युवती का हाथ छोड़ने को कहा। गुंडे ने चंद्रशेखर आजाद से कहा, जा जा, अभी तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं, आया मेरे से मुकाबला करने। चंद्रशेखर आजाद ने गुंडे को उठा के जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बोले कि यदि वो उस युवती से माफी नहीं मांगेगा तो उसका गला घोट देंगे। गुंडे को डर लगा और खुद की जान बचाना उचित समझते हुए उसने युवती से क्षमा मांगी। चंद्रशेखर आजाद ने उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद गुंडे की गुंडागर्दी तो सुनने नहीं आई, परंतु चंद्रशेखर आजाद जी के साहस और बल की चर्चा पूरे बनारस में फैल गई। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव चंद्रशेखर आजाद को काशी विद्यापीठ ले आए। चंद्रशेखर आजाद हिंदी और संस्कृत का अध्ययन मन लगा के करने लगे, परंतु अधिक दिन नहीं हुए थे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन जोर पकड़ लिया था। काशी विद्यापीठ के अनेक छात्र भी उस आंदोलन में शरीक हुए। चंद्रशेखर आजाद भी हाथ में झंडा लिए आंदोलन में कूद गए। आंदोलन के दौरान वो पकड़े गए और खारेघाट की अदालत में पेश हुए। खारेघाट ने जब उनको पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और रहने का पता जेल खाना। चंद्रशेखर आजाद तो आजाद अंतिम क्षण तक रहे और स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि भी दे दी। स्टेट ने उन्हें 15 कोड़े की सजा दी। उनको जेल ले जाया गया और खुले मैदान में 15 कोड़े लगाए गए। हर कोड़े पे वो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते रहे। 14-15 साल की कम आयु के युवक 15 कोड़े खाकर बेहोश हो जाते या पीड़ा से चीख पड़ते, परंतु वाह रे ये वीर, कमर से लहू बह रहा था, खाल उधड़ चुकी थी, परंतु न तो चीख थी और न ही आंखों में आंसू, मुख से केवल वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा निकल रहा था। विद्यापीठ पे लौटने पर संपूर्णानंद जी ने उनको आजाद के नाम से ही संबोधित किया और तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद विख्यात हो गया। तो चंद्रशेखर आजाद ने जब अपने सामने जुर्म होते देखा तो गुंडों को उठा के पटक दिया। और आज के नेता है जो जुर्म करके ही ऊपर पहुंचते हैं। क्या जो जुर्म करके ही आगे बढ़ा है वो जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है? सरकार सिर्फ वोट के लिए लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देती है और एक तरफ हर साल किसान चंद रुपयों के लिए जान दे देते हैं। क्या ये सरकार का जुर्म नहीं है? क्या वोट के पैसों से कुछ किसानों की जान नहीं बचाई जा सकती? चुनावी रैली में पानी की तरह पैसा बहाना और दूसरी तरफ एक गरीब इलाज ना मिलने से दम तोड़ देता है, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या नेता वाकई में देश के लोगों के बारे में सोचते हैं?
अगर एक भी नेता देशभक्त होता तो क्या कोई भूखा या इलाज ना मिलने से मर रहा होता? आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। नेता तो उसी के लिए काम करते हैं जो पैसे वाला हो और जो उन्हें चुनाव में पैसा उड़ाने को दे सके। हम आम लोग तो बस तमाशा देखते हैं। दोस्तों, देश की प्रगति के लिए ये पैसों की बर्बादी नहीं रुकनी चाहिए।